भौगोलिक स्पष्टीकरण किसी भी देशांतर रेखा के पूर्व की ओर की देशांतर रेखा पर समय आगे होता है और पश्चिम के ओर की देशांतर रेखा पर पीछे। क्या बताया जा रहा है कि जो इसका देशांतर रेखा होता है उसमें पूर्व की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ समय क्या होता है, पीछे होता है। जैसे जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे स्थानीय समय के बीच का अंतर भी बढ़ता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसमें जब डिस्टेंस आता है, मतलब जब उसमें अंतर आता है, तब क्या होता है, स्थानीय समय जो होता है उसके भी बीच में अंतर दिखाई हमें देता है। किन्हीं दो स्थानों के बीच के रेखांशीय अंशात्मक अंश का 4 मिनटों में गुणा करने पर उन स्थानों के स्थानीय समय में अंतर पता लगता है। लगा सकते हैं देशांतरीय अंतर भूगोलक अथवा मानचित्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसके आधार पे और जो मानचित्र के आधार पे जो उसके फार्मूले दिए हैं भौगोलिक रूप से, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। अभी जैसे बता रहे हैं पृष्ठ क्रमांक 65 पर और 67 पर दी गई गतिविधियों के द्वारा विभिन्न के समय में स्थानों के समय को समझ लो। क्या इस खेल के माध्यम में दो विरुद्ध देशांतर रेखाओं के मानक समय जान सकते हो? जरूर जान सकते हो। जब हमें पूरी चीज मानक और देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस मालूम है, स्थानिक मान मालूम है, तो आराम से हम उसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर फार्मूले दिए थे आपको, देखो यहाँ पे देखो दिया था। अभी क्या है, समय के कुल अंतर यहाँ पे देखो बताया, समय के कुल अंतर 60 अंश दिया है और 60 × 4 यानी कि 60 में 4 का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 6 × 4 = 24, 240 मिनट आ गया। और फिर क्या आ गया, 240 / 60 यानी कि 4 घंटा। इस तरीके से हमें यहाँ पे भी वही निकालने के लिए बता रहे हैं कि मानक समय आप निकाल सकते हो। जी तक से बताओ तो जाने। अभी देखो मुंबई में शहर कितना है, 63 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर, ठीक है। अब 63 का क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किसमें 63 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 4 में, ठीक है। अब 63 का मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा वो आएगा, फिर 60 से क्या करोगे, भाग दे दोगे, वही आपका घंटा आ जाएगा। समझ में आया। अभी देखो आपको, अभी ऐसे 88 पूर्व देशांतर रेखा पर है, इन दोनों स्थानों के देशांतर रेखाओं में कितना अंतर है वो भी आप सभी को आसानी से मालूम पड़ जाएगा। मुंबई में यदि स्थानीय समय के अनुसार दोपहर के 3 बजे होंगे तो कोलकाता में स्थानीय समय क्या होगा। इस तरीके से आप ज्ञात करके आप बता सकते हो आराम से किसी भी जगह का टाइमिंग। भौगोलिक स्पष्टीकरण, मुंबई और कोलकाता दोनों स्थान भारत में ही हैं पर विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित हैं। क्या है, अलग अलग देशांतर रेखा पे स्थित हैं, अतः उसके स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है। क्या होता है, मुंबई और कोलकाता के बीच में 1 घंटे का क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसी देश में देशांतर रेखा के अनुसार भिन्न स्थानीय समय के बारे में विचार किया जाए तो देश भर में दैनिक व्यवहारों में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। देश में प्रत्येक स्थान के स्थानीय समय के अनुसार व्यवहार में प्रत्येक स्थान पर स्थानीय समय व्यवहार करने पर समय में विसंगति निर्माण हो जाती है। इसलिए देश के मध्य से जाने वाली देशांतर रेखा का स्थानीय समय प्रमाणित मान लिया जाता है, इसे ही देश का मानक समय मान लिया जाता है, ठीक है। जो उसका जो अंतर होता है, जो विसंगति उसमें प्राप्त होती है, उसी को क्या किया जाता है, मानक समय मान लिया जाता है। व्यवहार
में देश के सभी स्थानों पर यही मानक समय उपयोग में लाया जाता है, और सभी स्थानों पर क्या किया जाता है, जो उसमें चेंजेस आते हैं उसी को सब जगहों पर प्रयुक्त किया जाता है। विश्व में भी व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न देशों के मानक समय में तालमेल होना आवश्यक है। इसके लिए विश्व में 24 काल विभाग किए गए हैं। कितने? 24 काल विभाग किए गए हैं। इन काल विभागों की रचना प्रधान देशांतर रेखा के अनुसार की जाती है, जो उसकी जो मेन रेखा होती है उसके आधार पर क्या होती है, इसकी जो विभाग किए जाते हैं अलग अलग जो किए रहते हैं उसके ही बेस पे उसके अनुसंधान किए जाते हैं। सामान्यतः एक दो घंटे के अंतर वाले देश में एक ही मानक समय होता है। जहाँ जैसे मुंबई और कोलकाता में एक घंटे का अंतर है तो इसको मानक समय क्या होगा, एक ही होता है। किंतु उससे अधिक रेखांशीय पूर्व पश्चिम विस्तार होने पर एक मानक समय सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए ऐसे प्रदेश में एक से अधिक मानक समय तय किए जाते हैं। तो मानक समय क्या होता है, जब एक ही होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो एक ही साथ में नहीं हो पाता है, इसलिए सारे जगह पे एक से अधिक मानक समय दिया जाता है। देखो होता क्या है, अभी देखो संदर्भ साहित्य की सहायता से वैश्विक समय और एवं पता करो कि भारत किस काल विभाग में आता है। इस तरीके से आप लोगों को पता करना, मानचित्र पुस्तिका का उपयोग कर बताओ कि किन देशों में एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है। जो ये सारी चीज़ें आपको आवश्यकता लगने वाली हैं उसके बारे में हमें भारतीय मानक समय। भारत का मानक समय मिर्जापुर शहर में गुजरने वाले 82:30 पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार निश्चित किया गया है। इस देशांतर रेखा भारत के रेखांशीय विस्तार के संदर्भ से देश के मध्य भाग में है। इस देशांतर रेखा का स्थानीय समय भारत का मानक समय मान लिया जाता है। इस देशांतर रेखा पर जब सूर्य मध्यास्त की स्थिति में रहता है तो ऐसा माना जाता है कि भारत के सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे हैं और 82:30 पूर्व देशांतर का स्थानीय समय और भारत के किसी भी स्थान के अन्य समय के स्थानीय समय एक घंटे से अधिक नहीं होता है। मतलब जो बता रहे, जो भारत का जो डिस्टेंस है, अभी जैसे आप सिंपल सा ही देख लो, मुंबई में जैसे हो आप लोग तो मुंबई का समय और यूपी का समय जो सूर्यास्त का समय है तो वहाँ पे क्या होगा, आपको 100% है कि आपको चेंजेस दिखाई देता ही है, एक घंटे का आपको डिफरेंट दिखाई देता है। यूपी में क्या होता है, हमें एक घंटा पहले ही मतलब रात हो जाती है और यहाँ एक घंटा बाद रात होती है आते हैं। आगे देखते हैं, बताओ आकृति में अभी देखो अभी किस तरीके से इसमें बता रहा है। आकृति में भारत के मानचित्र का निरीक्षण करो और प्रश्नों के उत्तर दो। अब सारे चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसमें देख के बताना है कहाँ पे किस तरीके से मानक समय और स्थानीय समय है उसको आपको निरीक्षण करके बताना है। अभी देखते हैं यहाँ पे मिर्जापुर नीचे क्या है, भारत के रेशांशीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए एक अंश की दूरी पर मानचित्र पर कितनी देशांतर रेखाएँ बनाई जा सकती हैं, दो लगी हुई देशांतर रेखाओं में कितने मिनटों का अंतर होता है, इस तरीके से आप लोगों को बताना है। ठीक है, मिर्जापुर का रेखांशीय मूल्य कितना है, यदि 82:30 पूर्व देशांतर रेखा पर मानक समय के अनुसार सुबह के 8 बजे होंगे तो नीचे दिए हुए स्थानों में लोगों की घड़ियों में कितने बजे होंगे। इस स्थानों के बीच की दूरी होने पर भी मानक समय क्यों नहीं बदलता, अभी वो सारी चीज़ें आपको मानचित्र में। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0° देशांतर, 0° देशांतर पर 0° देशांतर रेखा। इंग्लैंड के ग्रीनविच का स्थानीय समय GMT ध्यान में रखा जाता है। अन्य देशों के मानक समय में अंतर भी ग्रीनविच के मानक समय के संदर्भ में तय किए जाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटे 30 मिनटों से आगे हैं। जो भारत का मानक समय है वो क्या है, 5.5 घंटा आगे होता है। आगे देखते हैं, यदि ग्रीनविच में शाम के 5 बजे होते हैं तो भारत में रात के 10:30 बजे होते हैं। जो ग्रीनविच एक देश है वहाँ की जो समय मानक बता रहा है कि वहाँ की और भारत की जो समय मानक है वहाँ की कितनी डिस्टेंस है, कितने का अंतर पड़ता है, 5.5 घंटे का दोनों में डिफरेंट पड़ता है। समझा? अभी देखो आगे क्या है। भारत में सुबह के 8 बजे होंगे तो ग्रीनविच में कितने, अब बता सकते हो भारत में अगर 8 बज रहा है तो ग्रीनविच में कितना बजता रहेगा, तो 5 घंटा पीछे चले जाओ आप। अब यहाँ पे 8 बज रहा है तो 5 घंटा पीछे आने की 2:30 बजता रहेगा आपको ग्रीनविच में। भारत में दोपहर के 2 बजे होंगे तो ग्रीनविच दोपहर के किन किन देशों में भी दोपहर के 2 बजे होंगे, अब ये सारी चीज़ें आपको अनुमान लगाना है और बताना है सारी चीज़ें किस तरीके से कहाँ पे कौन सी टाइमिंग है। प्रधान देशांतर रेखा पर कितने बजे होंगे यदि आप 180° देशांतर पर नए दिन का आरंभ हो रहा होगा, इस तरीके से आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी संस्था ने अचूक समय दिखाने वाली घड़ी विकसित की है। इस घड़ी के समय में केवल 1 सेकेंड का सुधार करना पड़ता है, वह भी 20 करोड़ वर्षों में एक बार। सोचो इतनी सारे वर्षों के बाद ये समय सीमा हमें एक घड़ी में चेंज किया जाता है, वो भी 1 सेकेंड के लिए सिर्फ। भारत में अचूक समय के संबंध में नई दिल्ली स्थित नेशनल फिजिकल लाइब्रेरी संस्था कार्य करती है। यहाँ की घड़ी में 1 सेकेंड के 1,00,000 भाग तक की अचूकता होती है। अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण इत्यादि कामों में समय की अचूकता की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में ऐसी घड़ियों का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से वहाँ पे जो दिल्ली में जो कार्यरत है वहाँ पे इस तरीके से सारे चीज़ें की जाती हैं और लोगों को बताया जाता है। अभी जंतर मंतर क्या है वो देखो। जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला राजस्थान के जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह खगोलीय वैज्ञानिक गणितज्ञ एवं वस्तु विरासत थे। उन्होंने 18वीं शताब्दी में उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा इन 5 स्थानों पर जंतर मंतर स्थापित किए। कहाँ पे? उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली एवं मथुरा में 5 जंतर मंतर खगोलीय वेधशालाएँ स्थापित किए। आज मथुरा स्थित जंतर मंतर अस्तित्व में नहीं है, वहाँ पे क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, किंतु शेष 4 वेधशालाओं को देखने जा सकते हैं। जो 4 वेधशालाएं हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं, मथुरा को छोड़ के और बाकी जगह पे हम जंतर मंतर की खगोलीय वेधशालाओं को हम निरीक्षण कर सकते हैं। आज भी परछाई की लंबाई के द्वारा सेकेंड तक का समय भी बताया जा सकता है। जंतर मंतर केवल सूर्य प्रकाश के कारण पड़ने पर परछाई पर आधारित घड़ियां न होकर वेधशालाएं भी हैं। इन स्थानों से खगोलीय निरीक्षणों की उत्तम सुविधाएं भी हैं वहाँ पे, मतलब अच्छी सारी सुविधाएं और फैसिलिटी के साथ भी
वहाँ पे दी गई हैं। जंतर मंतर में यंत्रों की सहायता से आज भी खगोलीय निरीक्षण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खगोलीय निरीक्षण मतलब हम भूगोल के बारे में हम जान सकते हैं। अत्यधिक उपकरणों का निरीक्षण, उपकरणों का आविष्कार होने पर अब ये यंत्र शासक के रूप में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस तरीके से हमें कुछ इसमें मालूम पड़ रहा है। नीचे दिए गए देशों में से किन देशों में एक ही मानक समय है? अब ये आपको मानक समय बताना है। क्या किसी देश का अंशांशीय विस्तार बड़ा होकर भी एक ही मानक समय हो सकता है?